हेलो गाइस, माय नेम इज श्याम श्याम, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। हम साइड फेस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं आज। हमारे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं साइड फेस के ऊपर, जो कि मैंने पेंसिल से बनाए थे। यहाँ पे मैं स्केचबुक प्रो का यूज़ कर रहा हूँ और सिंपली हम स्टार्ट करते हैं एक सर्कल, राइट। और इस सर्कल को हमें हाफ वे में डिवाइड करना है। ये जो हाफ सर्कल है, ये हमारा बेसिकली स्कल का पहला पार्ट है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये हमारा आईब्रो लाइन है, और इस सर्कल को जब हम डिवाइड करते हैं, हमें ये एज मिलता है। इसके ऊपर हमें एक और लाइन ड्रॉ करना है। ये जो लाइन है, ये हमारा बेसिकली नोज लाइन है। यहाँ पे मैं क्विक फेस का ट्यूटोरियल बना रहा हूँ साइड फेस के लिए। ऐसे मैं फ्रंट फेस और एंगुलर फेस या थ्री फोर्थ फेस के लिए भी बनाऊंगा, तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जितना डिस्टेंस आपने इधर लिया है, उधर वहाँ पे एक और लाइन आप ले सकते हैं। ये हमारा चिन लाइन है, चिन। और इसके बीच में, मतलब ये वाले लाइन और ये वाले लाइन के बीच में एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जो कि आपका लिप लाइन होगा, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट परपेंडिकुलर, सॉरी वर्टिकल लाइन, जो कि आप देख सकते हैं। और ये जो लाइन है, ये हमारा बेसिकली जॉ है। तो आप देख सकते हो, जब आप इस चीज़ को लेते हो और ये जो फ्रंट पार्ट है इसको लेते हो, ये पार्ट, तो ये हमारा बेसिकली एक स्कल का फॉर्मेट डिसाइड करता है। आप इन लाइन को यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो कि किस तरह से आपको कहाँ पे नोज को एंड करना है या कहाँ पे आपको आईज को एंड करना है। मैं ब्लैक ले लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अब हम फेस कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा नोज ब्रिज है और यहाँ पे हमें नोज एंड करना है। यहाँ से हम जाएंगे आउट इन, यहाँ पे हमारे नॉस्ट्रल्स हैं। ये जो नॉस्ट्रल के लाइन होते हैं, ये हमेशा इनसाइड द वर्टिकल लाइन होते हैं जो स्ट्रेट हमने खींचे थे। यहाँ से फिर हम आउट इन, और ये जो लिप लाइन है, यहाँ पे कनेक्ट होगा सेकेंड लाइन, ये हमारा लिप का लास्ट लाइन हो गया। यहाँ से फिर हम इन जाएंगे और ये हमारा चिन लाइन हो गया, जो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया था, जैसा आप देख सकते हो ये वाला। यहाँ से नीचे जाएंगे और इन लाइंस को कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा बेसिकली जॉ लाइन हो गया। ओके, मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ ताकि आपको सिंपल वे में समझ में आए। यहाँ से हम आगे ऊपर जाएंगे और इस ऊपर लाइंस को कंटिन्यू करेंगे, जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था उससे, और इसको लाके हम यहाँ पे एंड कर देंगे, ये हमारा स्कल हो गया बेसिकली। जो लाइन हमारे आईब्रो लाइन को टच करती है और नोज लाइन को टच करती है, यहीं पे हमारा ईयर्स होता है। तो एक ईयर का साइज एक नोज के साइज के बराबर होता है हमेशा। जो हमारा ये जो लाइन है, जहाँ पे आप देख सकते हो नोज लाइन, यहीं पे आके आपको इस वाले लाइन को, जो हमारा बैक हेड से स्टार्ट होता है, इसे हमें टर्न करना है, क्योंकि ये हमारा बैक जो नेक का लाइन है वो कन्वर्ट होता है। यहाँ से ये नीचे की तरफ चला जाएगा। और जो हमारा लाइन यहाँ पे है, जो नोज फ्रंट में है, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट को अगर आप देखते हो, तो ये हमारा जब नीचे आप लेके आते हो, जब आप इसे नीचे लेके आओगे स्ट्रेट, तो यहाँ से हमारा फ्रंट साइड नेक का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा नेक हो गया। अब क्योंकि ये एक आईब्रो लाइन है, तो यहाँ पे हम आईब्रो ड्रॉ कर देते हैं। आईब्रो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इमोशन पे डिपेंड करेगा आपके आईब्रो कैसा है। प्लस यहाँ पे हमारे आईबॉल है, तो ये आईबॉल इतना बड़ा है, ये आईबॉल जो होता है वो हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस होता है नोज ब्रिज और आईबॉल के बीच में। और फिर इसको हम कवर करते हैं अपने आईलिड से। ओके, तो यहाँ पे हमारा आईलैशेस वगैरह आएंगे और यहाँ पे हमारा कॉर्निया आ जाएगा, ये हमारी आंखें बन गई, ये एक सिंपल फेस है, आप देख सकते हैं। जो हमारा चीक बोन होता है, वो हमारे कान के जो पॉइंट होते हैं, जहाँ से हमने कान स्टार्ट किया था, वहीं से नीचे जाती है। तो ये जो पार्ट होता है वो जनरली शेडेड होता है, आपने देखा होगा। ये हमारे स्ट्रॉन्ग जो लाइन और चिक लाइन को डिसाइड करता है। इतना अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, मैं अपर जो लिप है उसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आप देख सकते हो कि इससे हमारा एक स्ट्रॉन्ग फेस ऑलरेडी निखर के आ गया है।
इसके ऊपर आप बाल बना सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। बट अगर आप एक बिगिनर, क्योंकि एक वीडियो एक बिगिनर के लिए है ये वाला, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल, पहले इन सिंपल चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल होता है जो कि लूमिस मेथड में हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमारा हेड का क्रोनियम आता है, ये शेडेड होगा। यहाँ पे हमें हेड का बेसिकली जो हमारा जो एंगल है, जो हमारा कॉन्टूर पार्ट है जो हेड से आता है वो मिलेगा, और देन आईज को आप शेड कर सकते हैं, राइट। अगर आपको नोज डिसाइड करना है तो नोज में हमारे पास दो ओवल्स होते हैं साइड में, और ये शेडेड होता है क्योंकि साइड के पार्ट में हमेशा लाइट्स उतने तरीके से नहीं जाते जितना बाकी जगह पे जाता है, राइट। ये नीचे की तरफ है, ये शेडिंग यहाँ पे कनेक्ट होगी और आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे भी शेडिंग होगा, लोअर लिप के नीचे भी शेडिंग होगी क्योंकि यहाँ पे आपको लाइट नहीं आ रहा या फिर जो शेडो है वो गिर रही है, तो आप यहाँ पे इसको शेड कर सकते हैं। जो नोज़ है, अगर आप नोज़ देखते हो तो नोज़ के लिए आप सिंपल शेडिंग जो हम यूज़ करते हैं, तो आप पहले मैं रेड ले लेता हूँ, तो पहले मैं वहाँ जाता हूँ। तो एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम ये ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, एक हाफ ट्राइंगल। आप देख सकते हो ये वही वर्टिकल लाइन है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था फेस के स्टार्टिंग में, और यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली कि कहाँ पे मेरा नोज होने वाला है, राइट। अब मैं इसे अंदर और बाहर और फिर अगेन इनसाइड। तो जो हमारा जो नॉस्ट्रल का लाइन होता है वो हमेशा हमारा जो वर्टिकल लाइन है, जो लाइन सीधी जा रही है उसके अंदर रहेगा, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं शेडिंग के आपको पैटर्न बता रहा हूँ। यहाँ पे दो ओवल्स आपको ड्रॉ करने हैं, एक ओवल फ्रंट में और एक ओवल बैक में जो नॉस्ट्रियल है, और ये ओवल के स्ट्रेट में जो लाइन बनेगी ये हमारा बेसिकली कनेक्टिंग लाइन है, इससे आपको नोज को शेड करना है। ये हमारा नोज शेड इस तरीके से होता है। जब आप ऐसे शेड करोगे नोज को तो आपको नोज का जो डेप्थ है वो पास लेगा। ये होता है हमारा नोज का लाइन। यहाँ से फिर अगेन हम लिप के लिए जा सकते हैं, राइट, वो भी हम नहीं कर रहे। तो देख रहे हो किस तरीके से मैं नोज को शेड कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा फ्रंट हो गया, और फिर आईज जब आएंगे यहाँ पे सॉकेट आएगा आई का, तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं और उसके हिसाब से शेड कर सकते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बट आप बेसिकली देख सकते हैं कि किस तरह से हमने नोज कवर कर लिया, नोज की शेडिंग कवर कर ली। तो जब आप नोज शेड करोगे इस बेसिक हेड में, तो आप इसी तरीके से नोज शेड कर सकते हो, राइट। ये बहुत इजी टेक्निक है, मैंने क्विक वीडियो बनाया है इसके ऊपर कि कैसे आप साइड फेसेस ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारा मेजरमेंट है जो आपको याद रखना है ताकि आपको आसानी हो। ये जो लाइन था ये सेंटर था हमारे स्पीयर का, जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था। तो इन मेजरमेंट्स को आपको याद रखना है, और एक सिंपल सा वीडियो मैंने ड्रॉ किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, आपके लिए उसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट करूंगा या कुछ वीडियोस बना दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी हो वीडियोस देखने के लिए और नए वीडियोस से सीखने के लिए, या फिर कोई अपडेट के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें, और बाय बाय।